फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सभी लोग, हम सब भी ठीक हैं। शर्मा जी की तबीयत अब पहले से बेटर है। तो शर्मा जी जा चुके हैं काम पर। आज नाश्ते में बना था पोहा और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, दिल्ली की पहली बारिश हो रही है। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस बारिश का हम। तो ओम नहा रहा है छत पे, बारिश का मज़ा ले रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि छत पे वो क्या कर रहा है। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो ऊपर भी जाकर देखना पड़ेगा क्या कर रहा है वो। कोई शैतानी ना कर रहा, क्योंकि चारों तरफ दीवारें गीली हैं। तो फटाफट से छत पे चलते हैं, देखते हैं ओम क्या कर रहा है। और लास्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो भी इस चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलते हैं छत पे। रेन डांस ये क्या होता है, करके दिखा। ये क्या, ये कौन सा डांस है? मोस्टली ज्यादातर लोग छतों पे हैं अपने घर की, क्योंकि ये पहली बारिश है और सभी नहा रहे हैं। अब जो ऑफिस गए हैं वो तो नहीं नहा पाए, लेकिन बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ज्यादातर। आगे का व्यू नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फोन में चला जाएगा पानी। तो देखिए कुछ कहना है ओम शर्मा आपको? नहीं, नहीं, नहीं। होमवर्क भी कर लो नीचे जाके? नहीं, नहीं। क्यों? बैग गीला हो गया, देख धोऊंगी उसको। तो देखिए कितनी बारिश हो रही है और अभी तो और आएगी। पूरा बादल काला पड़ा है। मुंह तो साफ कर, नीचे आ जा बेटा, बीमार हो जाएगा। नहीं है? तो कपड़े भी धुलने वाले पड़े थे लेकिन अब बारिश की वजह से नहीं धो पाएंगे। चल आ जा, बहुत हो गया। नहीं है? नहीं। शर्मा जी जा चुके हैं काम पर और यहाँ पे देखिए कपड़े धोने थे लेकिन नहीं धुल पाए। दूर सभी लोग मोस्टली छतों पे ही है कि सब बारिश में नहा रहे। One hour later. तो फ्रेंड्स देखिए, बारिश में नहाने के बाद ये बच्चा नाश्ता करके बैठ चुका है और करने लगा है अपना स्कूल का वर्क। मम्मी, मम्मी बारिश हो रही है, ट्यूशन कैसे जा पाऊंगा? वो मैं छोड़ाऊंगी बेटा, छुट्टी का कोई वो नहीं है। अब हो रही है तेज बारिश तो ज्यादा नहीं नहाना, बीमार हो जाएगा। इसको बारिश में नहाना अच्छा लगता है, प्लीज लाइक को बताएं। जल्दी कॉपी खोल, काम कर, पेंसिल से करना ठीक है। तो ये अपना अपना काम कंप्लीट कर रहा है। तब तक मैं फटाफट से बाकी के काम कर लेती हूँ। रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, देखिए ये रूम भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है और इधर का रूम भी मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। बेडशीट वगैरह दोबारा बिछा दिए एकदम से। ये देखो, तो ये अपना किक स्कूटर चला रहा है। जिसने पहले के वीडियो देखे होंगे वो सोच रहा होगा कि इसका किक स्कूटर तो रेड कलर का था। तो मैं बता दूं आपको कि वो इसका खराब हो गया था, हमने ठीक कराने के लिए दिया बट वो ठीक नहीं हो सकता था। तो उसके रिप्लेसमेंट शॉप वाले ने ये हमें दे दिया है। क्या हुआ इसको? हाँ, इसमें लाइट जल रही है, इसके व्हील्स में लाइट जल रही है। ये मडगार्ड क्यों हो रहा है ऊपर से, ऐसे ही है क्या? हाँ, तो अब देखते हैं ये कितने दिन चलाता है ये वाला। ये? मैंने काम करने को बोला ये, काम? ये? हाँ। ये कल इसका अंत है। पढ़ाई कर पहले, कल इसका अंत है। तो यहाँ रखते, तो फटाफट से काम कर रहा है ये अपने ट्यूशन का। जल्दी काम कर, मैं फटाफट दूसरे सारे काम निपटा देती हूँ बाकी के, ठीक है? ऐसे तो मोस्टली हो ही गए हैं। ये क्या है? काम कर। A few moments later. ओम आ चुका है ट्यूशन से दोस्तों। यहाँ पे बन रही है उनकी मैगी और उसके बाद शर्मा जी भी आ गए हैं, फिर बनेगी उनकी चाय। तो ओम को फिर अपन मैगी दे देते हैं और चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गई है चाय, पार्ले जी बिस्किट, शर्मा जी का फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी, और गुड्डे, दो बिस्किट ही इनके फेवरेट हैं। और ये रही चाय, तो हम लोग इंजॉय करते हैं चाय। और बाहर फिर से शुरू हो गई है बारिश। तो दोस्तों आ चुके हैं ओम शर्मा गली में से खेलकर, देखिए कितना पसीना आया है। और अब क्या हुआ, गिर गया? हाँ। कहाँ पे?
बताना इधर आके लगी तो नहीं बेटा। चल तो फटाफट से गेट कर देते हैं बंद। तो ये कर दिया है हमने गेट बंद। और इधर बन रहे हैं चावल और आज बने हैं छोले। ओम तो ओम जी। छोले चावल बने खा लेगा ना? पानी दो हाँ जी। ठंडा नॉर्मल ठंडा क्या रहा आज गली में खेल? अच्छा अच्छा रहा। ये देखिए ओम शर्मा ने क्या करा है, बेड पे गिरा चुके हैं पानी क्योंकि इनका ध्यान तो है नहीं। और देखिए दोस्तों पैरों की हालत देखिए गली में खेल कर। निकल 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 पहली फुर्सत में निकल, पैर धोकर आ जा, निकल जा बाल्टी में पानी है धो अच्छे से। तो फ्रेंड्स रेडी हो गए हैं छोले और राइस, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। फटाफट शर्मा जी को दे देते हैं खाना।